वेलकम। आज हम प्रॉब्लम सेट 40 देखेंगे, फिफ्थ स्टैंडर्ड का 9 चैप्टर मैथ्स का डेसिमल फ्रैक्शन। लेट अस बिगिन प्रॉब्लम सेट 40 में हमें राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल फ्रैक्शन, हमें इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने बोला है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक देखना होगा कि डेसिमल फ्रैक्शन में किसको क्या बोलते हैं, तो कैसे उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक में नंबर वन हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है और सर्कल के 4 पार्ट्स मैंने किए हैं। तो ये सर्कल अगर फुल है, फुल तो ये होल काउंट होता है। होल मीन्स होता है 1, फुल 1 साइज। जैसे सर्कल है और सर्कल को हमने हाफ किया हुआ है, आधा आधा, तो इसे हाफ बोलते हैं। हाफ मीन्स होता है 1/2। और इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? डेसिमल में हम इसको 0.50 लिखेंगे, ऐसे हाफ। तो जैसे 1 है, ये 1 का हाफ हो गया। ऐसे आधा करना है तो हाफ ऐसे ही लिखा जाएगा डेसिमल में, 1/2। बट ये आया कैसे? बहुत इजी है, 1/2 मतलब 1 को 2 से डिवाइड किया गया है, ऐसे। तो पहले तो हम लेंगे 2 0s are 0, जैसे डिवाइड करने अगर आता है तुमको तो क्लियर हो जाएगा। तो 1 - 0 1 पॉइंट ले करके फिर हम 0 ले सकते हैं, 2 5s are 10, ऐसे 0 0। तो आंसर आ रहा है 0.5 मतलब 0.50, ऐसे। तो ये हो गया हाफ। तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना, ये होल है, ये हाफ है। नेक्स्ट उसके बाद में अब हम इसको सिर्फ इसका जो है पाव हिस्सा ले रहे हैं, मतलब क्वार्टर, इसको बोलते हैं क्वार्टर। तो इसको क्वार्टर लिखना है, QUARTER, क्वार्टर। क्वार्टर को कैसे हम डिस्प्ले करेंगे? 1/4 मतलब एक ही हिस्सा हम ले रहे हैं। यहाँ पे हाफ था तो हमने आधा हिस्सा लिया था, यहाँ पे क्वार्टर ले रहे हैं, पाव हिस्सा ले रहे हैं, तो 1/4। क्वार्टर को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? एग्जैक्टली जैसे ये डिवाइड करके ये आ रहा है, तो वैसे ही एग्जैक्टली इसको भी डिवाइड करके हमें डेसिमल में मिल जाएगा क्वार्टर। तो डेसिमल में अगर इसको हमें लिखना है तो हो जाएगा 0. अभी जैसे क्वार्टर हो गया, तो क्वार्टर मतलब पाव हिस्सा होता है, तो मतलब आधे का भी आधा, मतलब अगर ये 50 है तो और उसका पाव कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ऐसे आधे से और आधा, तो आधे का और आधा कर दिया तो क्वार्टर हो जाएगा। तो ये क्वार्टर हो गया पाव हिस्सा। नेक्स्ट अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसमें हमें 3/4 लेना है। कितना लेना है? 3/4। तो ये पाव और ये आधा पूरा मिला लिए, पावर आधा मिलाकर हो गया 3/4। इसको हिंदी में पौना बोलते हैं, ये पौना हिस्सा है, मतलब 3/4, 3 THREE 3/4, QUARTER क्वार्टर। तो ये 3/4 मतलब 3/4, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, और इसको ही हम डेसिमल में, क्योंकि आधा और पाव, आधा और पाव मिला के होता है क्वार्टर, तो हो गया 75। ये 50 था और ये 25, 50 + 25 = 75, तो 0.75 करके इसे हम डिस्प्ले करें। तो ये हो गया होल, ये हो गया हाफ, ये हो गया क्वार्टर, ये हो गया 3/4। ये हमें अच्छे से बायर्ड होना चाहिए, तो हम इजिली प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 40 हमें सॉल्व करना है, इसे हमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो 2.5 क्या दिया है? 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.5, तो हमें 2.5 लिखना है। तो हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो बहुत इजी और सिंपल है, पहले हमें 2 लिख लेना है, 2 लिख लिया। अब हाफ, हाफ में हमने जैसे ऊपर देखा था, हाफ के लिए 0.50 मतलब 0.5, 2.5 लिखना है, तो 2.5
अब ये जीरो के प्लेस पे टू आ चुका है, तो टू एंड हाफ, हाफ मीन्स 0.5, मतलब 0.5, तो 0.5 लिखना है तो 0.5 ऐसे, 0.50 भी लिख सकते हैं, तो 0.50 आ रहा था, हाफ मतलब 0.50, बट जीरो की जगह पे टू दिया हुआ है तो 2.50 ऐसे ऐसे लिखना है। तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल फॉर्म। तो ये हमने 2.5 को डेसिमल फॉर्म में लिख लिया है, बहुत इजी और सिंपल है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था 2.5, उसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना था, तो मैंने उसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिख लिया है ऐसे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, 2.25। तो 2.25 को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है तो 2 लिख लिया, अब पॉइंट डाल दिया है 2, यहाँ पे एंड हो गया। अब क्वार्टर लिखना है, क्वार्टर लिखने के लिए मैंने पहले बाय हार्ट करवा दिया था, क्वार्टर मीन्स 0.25, तो पॉइंट के बाद 25 आएगा क्वार्टर के लिए, तो 2 एंड क्वार्टर, तो 2.25 मतलब 2 एंड क्वार्टर, तो ये हो गया 2.25, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इसके बाद 2.75 बोला है, 2.75, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 लिख लिया, अब 3.25 लिखना है। 3.25 के लिए मैंने ऊपर पहले ही सिखाया था, 3.25 मतलब 0.75, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 2.75 ऐसे, तो ये हो गया 2.75 मतलब 2.75, 3.25 मतलब 75, क्वार्टर मतलब 2.25, 2.5 और हाफ मतलब 50 मतलब 0.5। नेक्स्ट इसके बाद बोला है 10.5 फोर्थ क्वेश्चन, तो 10 लिख लिया, और हाफ मतलब हमने पीछे ही देख लिया है, ऊपर ही सम किया था ऑलरेडी हाफ का, तो 2.50 लिया था, वैसे इधर भी 10.50 आएगा, तो ये हो गया 10.5। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 10.5 यहाँ तक बता लिया है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 14.75 क्या दिया है, 14.75, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी है, तो 14 लिख लिया, पॉइंट, 3.25 बोला है, मतलब 3.25 मतलब 75, तो यहाँ पे 3.25 मैंने बाय हार्ट पहले ही करने बोला है, 3.25 मतलब 0.75 मतलब यहाँ पे 0.75 आ जाएगा। नेक्स्ट है 16.25, 16.25 इसका आंसर कैसे आएगा, 16, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 16.25, तो क्वार्टर मतलब 25, 16.25 इसका आंसर है। ये फिफ्थ वाले का आंसर है, ये सिक्स वाले का आंसर है। नेक्स्ट सेवेंथ वाले का आंसर चाहिए हमें, तो सेवेंथ वाले का आंसर है 28.5, तो 28.5, हाफ मतलब 0.50, ये हो गया 28.5, ये सेवेंथ वाले का आंसर है। तो आई होप यू गॉट दिस, हमने पूरा प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर लिया है, प्रॉब्लम सेट 40 हमारा कंप्लीट हो गया है, 2.5 मतलब 2.50, 2.25 मतलब 2.25, 2.75 मतलब 2.75, 3.25, 2.5 मतलब 2.50 ऐसे, और यहाँ पे रिमेनिंग आंसर आई हैड शोन यू। सो वी हैड कंप्लीटेड अवर प्रैक्टिस एट 40। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, टेक केयर।